आपको पानीपत लिए चलते हैं। आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है क्योंकि तीन दिन से लगातार बैठकें वहां पर महामंथन के जरिए जारी थी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग, इंडिविजुअल पर्सनालिटी मेकिंग, व्यक्ति निर्माण का कार्य। एक घंटे शाखा में जाता है तो कार्यक्रम चलता है, उसको दो चार पांच घरों में, कॉलोनी में, बस्ती में, ग्राम में, मोहल्ले में जाकर मिलना वगैरह करता है, समाज के साथ एक, तो इसको हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। लेकिन इसमें शाखा समाज कार्य करने के लिए एक प्रेरणा है। ऐसे जो स्वयंसेवक करते हैं वो लोग, उनमें से विद्यार्थी को सामान्यतः अपने एजुकेशन पर उनका अधिक फोकस होना चाहिए। उनको समाज देश के बारे में एक्सपोजर तो देते हैं लेकिन सामाजिक काम में प्रत्यक्ष लगना, वो कमाई करने वाले इन एनी फील्ड, दोज हु आर गृहस्थ प्रोफेशनल्स, जो कुछ ना कुछ अपने नौकरी व्यवसाय धंधा कर रहे हैं, ऑल एज ग्रुप, ऐसे लोगों के सामाजिक काम में उनको लगना है, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इस बार हमने एक विशेष ऐसे करने वाले लोगों का यहां रिपोर्टिंग लिया। पूरा देश इतना बड़ा है इसलिए ऐसे करने वाले शाखों की संख्या हजारों में है। हमने जो रिपोर्टिंग लिया एक क्षेत्र से एक, उसमें बहुत सारे हमारे शाखाओं में, उस शाखा क्षेत्र में आने वाले, फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, एक शाखा चल रही है, दो शाखा चल रही है, सामान्यतः 5,000 से 10,000 आबादी होगी, या एक मोहल्ले है 8-10 हजार की आबादी है, वहां एक शाखा चलती है। शाखा के स्वयंसेवक 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, प्रतिदिन आने वालों की संख्या तो, बट सूची में रहते हैं, वंशी ने भी कहते हैं, पैसे ने भी कहते हैं, रेडी डेली आते हैं, लेकिन उनका ग्रुप है। उनके सामने हम कहते हैं आपके क्षेत्र में जो गांव है, बस्ती है, मोहल्ले है, वहां आप क्या सामाजिक काम करते हैं शाखा से, मंदिर की स्वच्छता और कोई सफाई, वहां कोई स्वास्थ्य सेवा, ट्यूशन चलाना, जो वहां वर्किंग क्लास स्लम वगैरह है जिसको हम सेवा बस्ती कहते हैं, वहां के लोगों के लिए कोई, उनके बच्चों के लिए कुछ विशेष बेतना, वहां दिव्यांग है उनके लिए क्या सेवा हो सकती है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसे कई प्रकार के चीजों के लिए कोई विशेष, इसके लिए हजारों लाखों रुपए के संग्रह करते हुए नहीं करना है। एक शाखा अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छे काम करना चाहिए। तो ये जो कर रहे हैं, इसमें केरल के एक रिपोर्ट कल आया हमारे पास, शबरीगिरी जो ये है, शबरीमले अयप्पा वो जिला है, वहां जो रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने स्वयंसेवकों की संख्या 300 है, उस शाखा में लगभग 10,000 लोग हैं उस एरिया में, वहां स्वास्थ्य के, शिक्षा के बहुत सारी सेवा की, कई विद्यार्थियों को रोजगार दिए, सर्वे किया उन्होंने, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग विदेश में रहते हैं, कितने लोगों के रिटायर्ड लोग हैं, ऐसे हमने एक शाखा के लोगों को सर्वे करने के लिए कहा है। लगभग 10,000 स्थानों पर अभी सर्वे किए हैं, वो सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने तक हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने एक हर प्रांत में सर्वे के आधार को देखने के लिए अभी इसमें विचार किया है, वो देखेंगे जाकर सैंपल्स क्या क्या है देख रहे हैं। उसमें 10-12 लोगों ने यहां जो प्रेजेंट किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसमें उन्होंने ये हमको देखने को मिला, हमारे कार्यकर्ता इस विषय को आगे बढ़ाए, हमें बहुत गर्व है इस विषय में क्योंकि अपने कार्यकर्ता ने वहां के समाज के लिए, उदाहरण के लिए मदुरई में एक पिछले 10 साल से एक एरिया में हर रविवार को उन्होंने 22-25 डॉक्टर्स को तय किया है, एवरी वीक 2-3 डॉक्टर्स वहां जाते हैं, फ्री मेडिकल इसका करते हैं, एवरी वीक करते हैं।
ऐसे एक ही क्षेत्र में स्वास्थ्य के होगा, मंदिर के होंगे, सेवा के होंगे, दूध वितरण का होगा, ट्यूशन के होंगे, ऐसे कई प्रकार के। अभी हम इसके रिपोर्ट कंपेयर करेंगे इस वर्ष आने वाले 4-6 महीने में, ऐसे कुछ ठोस चेंज रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ परिवर्तन है। केवल सेवा कार्य किए से नहीं, वहां के जीवन में कुछ बदलाव आया। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता, समरसता को दूर करना, मंदिर में सभी का प्रवेश है, गांव में सभी के लिए स्मशान, सभी जाति के लिए है। इस प्रकार के जो परिवर्तन आया है, समाज परिवर्तन, गांव में कोई शादी होती है, सभी लोग वहां साथ बैठकर भोजन करते हैं, ये परिवर्तन लाना है। ऐसे जहां जहां हमारे शाखा के कार्यकर्ता किए हैं, इस प्रकार के विषयों को हम कंपेयर करने के लिए विचार किया है। दूसरा, इस उसमें कुल मिलाकर प्रतिनिधि सभा में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, आने वाले 25 वर्ष देश में अमृतकाल ऐसे घोषित हुआ, इसका स्वागत भी हमने किया है। देश के अंदर एक पिछले बार मैंने, उससे पहले भी बंगलुरु में जब सरकार के नाते मेरा निर्वाचन हुआ था, उसी समय मैंने एक विषय बताया था अंतिम दिन से पत्रकार वार्ता में, देश के नैरेटिव बदलने चाहिए। भारत के प्रश्न पत्र को भारत के उत्तर होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। वी हैव बीन गिवन क्वेश्चन पेपर एंड वी हैव टू आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ अवर ओन कंट्री। तो इसलिए भारत के कई जिस प्रकार के भी स्थिति है, उसके आधार पर भारत को एक दुनिया में, विश्व में एक वैभवशाली सम्मान मिलने वाला ऐसे देश के नाते अपने करना है, जिसको विश्व गुरु भी कहते हैं। तो इसलिए भारतीय चिंतन के, जीवन दर्शन के बहुत सारे विषय हैं।